हमारे फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आप लोग मुझे गिफ्ट भेजें, मेरा एड्रेस नोट करें, और जब भी मुझसे मिलने के लिए आए मिले तो फिर लाजमी लेना। मेरा फेवरेट कलर व्हाइट। सच बताओ? सच बताने। In the end of the day, I want music to जो लोगों को फुल एंटरटेन करता है। मुझे शामी कबाब पसंद है, पुलाव पसंद है। तो इंशाल्लाह इसी तरह धूम मचाते रहेंगे। बिजनेस करें। सफेद और ब्लू कलर सारे अच्छे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जफर इकबाल। और मैं हूं भैरोज, आपका भैरोज। तो आपने हाईलाइट देखी? आज के व्लॉग में आपको बहुत मजा आने वाला है, मगर उसके लिए आपको मेरे साथ रहना होगा। आज मैं आपको बेबी से भी मिलवाऊंगा, हशमत साहब से मिलवाऊंगा, और हमारी पूरी कास्ट से मिलवाऊंगा, और आप जानेंगे वो कुछ जो कि बिहाइंड द कैमरा होता है। तो चले चलते हैं उनके साइड। अरे अभी अभी जाना नहीं है। आपको पता है मैं किससे मिलवाने जा रहा हूँ? हशमतुद्दीन से, जो कि मेरे हैं अब्बा हुजूर, जिनका दिमाग शैतानों के सरदारों की तरह चलता है। हाँ वही जिन्होंने हमारे पूरे घर को परेशान करके रखा हुआ है, जिनके फ्लोर आपको बहुत अच्छे लगते हैं, आप उन्हें बहुत लाइक करते हैं, वो है मेरे उस्ताद मोहतरम, जिनका नाम है यासिर साहब। तो चलिए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए, क्या हाल है? मुझे फ्लाई है। बिल्कुल, मैं जरूर आपके लिए लेकर आऊंगा गिफ्ट। तो बगैर मशक्कत भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। तो हमारे फैंस जानना चाह रहे हैं कि आप ये बताएं कि आपकी हॉबीज क्या है। मेरी हॉबीज पैसे जमा करना, हर तरह के पैसे जमा करता हूँ, डॉलर भी, दिनार भी, और धर्म भी, और जो कुछ मिले जमा करते हैं। वाह, और आपका कलर कौन सा है? आपको फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर में गोल्डन, सोने का कलर, जितना भी होता है गोल्डन कलर की चीजें जमा कर ले। और आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में माल खा लो, जितना भी माल हो मैं खा लूँ। हमारे फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आप लोग मुझे गिफ्ट भेजें, मेरा एड्रेस नोट करें, और जब भी मुझसे मिलने के लिए आए मिले तो फिर लाजमी लेना। जरूर जरूर। अच्छा, और कोई ऐसी बात ये बताएं कि आपकी जवानी कैसी गुजरी? मेरी जवानी बहुत रंगी, मैं नहीं बताऊंगा मेरी जवानी कैसी गुजरी, ये भी बताऊंगा मेरी जवानी कैसी गुजरी। अच्छा, तो और क्या बताएंगे आप? और कुछ भी नहीं बताऊंगा मैं, जो तुमने पूछा तो पूछ लिया। हाँ देखे, ये बेटा मेरे बेटे का चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत प्यारा बेटा है मेरा, मेरा वली अहद है। वैसे तो काम वाम कुछ नहीं करता है, लेकिन ये नसीब वाला, बगैर काम के इसे खाने को मिला, ऐसा नसीब अल्लाह सबका करते, कोई काम ना करे सबको खाना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको मिल पाता हूँ, रुको यहाँ पास, जो कि मेरी सासू माँ प्लस माँ है, उनका नाम है नुसरत खान। तो चले उनसे मिलते हैं। आप ये बताएगा कि आपकी हॉबीज वगैरह क्या हैं? मेरी हॉबीज कुछ खास नहीं है, बस यही एक्टिंग वगैरह। चले, और घर के काम। तो आप इस फील्ड में किस तरह, एक्टिंग के फील्ड में? हाय हाय, ये मत पूछिए, ये बहुत लंबी दास्तान है जिसके लिए काफी वक्त चाहिए। थोड़ी सी छोटी करके सुना दे प्लीज। बस अचानक ऐसे ही गई थी किसी के साथ, मेकअप आर्टिस्ट है जियो की, वो अपनी सीवी देने गई थी आज चैनल पे, मैं भी उनके साथ चली गई, और इत्तेफाक से मैं वहाँ हंसी मजाक कर रही थी, तो वहाँ पे एक डायरेक्टर मिल गए, वहम करते थे वो वहाँ पे न्यूज चैनल पे, तो खुर्रम नाम है उनका, सैयद खुर्रम, उन्होंने जब मेरी ये हंसी मजाक उन्होंने जब वो सुन रहे थे पीछे से, फिर उन्होंने आके मुझे ऑफर दी कि एक कैरेक्टर है गुप्पी का, वो ऐसी चुटबुली मुझे खातून चाहिए, तो आप क्या करेंगी? तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा हाँ, मुझे ड्रामों में काम करने का तो शौक था, मैंने फ़ौरन हामी भर ली, उन्होंने पिक्चर ली मुझ मेरी और नंबर ले लिया मुझसे, बस इसी तरह मैं बस अचानक से फील हुआ। चलिए, बहुत खुश नसीब और बहुत अच्छा इत्तेफाक था। देखें, इस इत्तेफाक के बाद हमें इतनी प्यारी आपा मिली, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं। अच्छा ये बताइएगा, आप एक हाउस वाइफ भी हैं, तो फिर उन सब चीज़ों को मैनेज करके एक्टिंग करना आप कर लेती हैं इजीली, हो जाता है मुश्किल है? हाँ, ये इसलिए हो जाता है कि देखिए, घर वाले जब तक आपको सपोर्ट नहीं करेंगे आप ये काम नहीं कर सकते। बहुत खूब जी, मेरे शौहर मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, सपोर्ट करते हैं मेरे साथ। अगर वो देख रहे हो तो हम भी उन्हें ये कहेंगे कि आप इन्हें इसी तरह सपोर्ट करें, ताकि हमारी प्यारी आपा हमारे साथ हमेशा रहें। और करना चाहिए, आदमियों को सपोर्ट करना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल आपा। और आपका फेवरेट फूड क्या है, क्या पसंद है आपको खाने में? मुझे खाने में मुझे शामी कबाब पसंद है, पुलाव पसंद है, और पाए पसंद है। अरे यम्मी पाए। चलें आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस हमारे फैंस ही जानना चाह रहे थे कि हशमत एंड सन्स रिटर्न्स के जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में मैं उन्हें मुख्तसर कुछ बातें बताऊं, तो मैंने बता दी। कुछ कहना चाहेंगे हमारे फैंस को? मैं यही कहूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शो
शो को जो है वो देखें, क्योंकि आपकी मोहब्बतें हमें दोबारा वापस लेकर आएंगी। और बहुत देखें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और टन टन बजाना ना भूलें। तो देखा आपने रुकिया आपा को, मिले ना, अच्छी लगी ना उनकी बातें, अच्छी लगी ना? हाँ लेकिन अच्छी लगी होंगी आपको। अब आपको पता है मैं किनसे मिलवाने जा रहा हूँ? है जो कि अमेरिका में रहते हैं, जो हमारे घर आते जाते रहते हैं, मेरी भाभी के जो कि अब्बा हैं। हाँ हाँ यस, अलाउद्दीन साहब, अलाउद्दीन वही जिनको आप बहुत पसंद करते हैं। तो मिलते हैं मनान हमीद साहब से। मुझे ये बताएगा, हमारे फैंस जानना चाहते हैं कि आपको कलर कौन सा पसंद है? देखिए कलर सारे अच्छे, अगर ग्रीन देखें पत्तों में खूबसूरत लगता है, और पिंक रेड वगैरह देखें, येलो देखें तो ग्रीन अच्छा लगता है। अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़, हर कलर वो अपने माने रखती है, इसलिए मुझे सब कलर पसंद है। और मौकमेल के लिहाज से इस्तेमाल भी होते हैं तो भले लगते हैं, किसी मौसम में फलाना कलर, किसी मौसम में वो कलर। तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं। हाँ होता है लोगों में कि मुझे ब्लू पसंद है, मुझे ब्लैक पसंद है, मुझे वाइट पसंद है, बस मौका महल के लिहाज से कलर इस्तेमाल करो। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। और आपको खाने में कौन सी डिश पसंद है? खाने में मुझे पाए, कबाब। ज़बरदस्त, रोस्ट टाइप चीज़ें, यानी कुछ जिसमें तेल ना हो जाए। ठीक है, बस तेल वगैरह जो होता है ना, ऑयल जिसमें होता है, तो वो पाए हों या इस टाइप की चीज़ें। बाकी तो सब खुश चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। कीमा एक मुझे बहुत अच्छा लगता है, बुनावा हाथ होता है, खाते चलेगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और सर मैं, मुझे माशाल्लाह काफ़ी, मैंने आपको इस फील्ड में, बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं आप हमारे, तो सर मुझे एक बात बताइएगा कि एक्टिंग और ओवर एक्टिंग में क्या फ़र्क है? थोड़ा सा इसका डिफरेंस करके बताएं तो बहुत अच्छा होगा, हमारे फैंस जानना चाहते हैं। एक्टिंग और ओवर एक्टिंग में ये समझ लें कि कोई काम किया जाए, कहते हैं हद होती है, लिमिट होती है, उस लिमिट में अगर आप वो चीज़ रखेंगे तो वो एक्टिंग है। ठीक है, लिमिट से आउट अगर आप हो गए तो समझ लो वो ओवर एक्टिंग है। मिसाल के तौर पर कि अब कॉमेडी सीन है, कॉमेडी सीन के अंदर मैं कह रहा हूँ हाँ भाई क्या हाल है, कैसे हो तुम, ठीक हो, और ये बताओ कि तुम गए थे या नहीं गए थे, तो ये तो हम देखते हैं ओवर एक्टिंग। हाँ भाई कैसे हो तुम, और वो पूछ रहा था तुम गए नहीं गए थे, बहुत आला, ये जबरदस्त। तो सीन वाइज चलता है कि किस टाइप का मूड होता है, लेकिन मैं समझता हूँ बस ये समझ ले आप कि लिमिट में जो चीज़ है वो एक्टिंग है, और जो उससे आगे हुई। देखा आपने अलाउद्दीन साहब की बातें कैसी लगी आपको? अब आपको पता है किससे मिलवाने जा रहा हूँ? हाँ हाँ वही जो हाजी साहब है। हाँ हाँ देखा ना आपने कैसे ड्रेसिंग है। तो मिलते हैं अब सर जवाब खान साहब से। ये बताइएगा, हमारे फैंस जानना चाह रहे हैं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है? यार मेरा फेवरेट कलर तो वाइट है। वाइट, ठीक है। और खाने में आपको क्या अच्छा लगता है, फेवरेट डिश बताएं? मेरे को खाने के अंदर जो सबसे ज़्यादा पसंद है माश की दाल और फ्राई। सर बहुत आला। अच्छा सर आपने तो माशाल्लाह बेपना काम किया इस फील्ड के अंदर, तो हशमत एंड सन्स कैसा लगता है आपको, हमारा जो प्ले, क्या आपके क्या कुछ अपनी अच्छी सी बात, कोई अच्छा कमेंट दें हमारे प्ले के बारे में? हशमत एंड सन्स एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो लोगों को फुल एंटरटेन करता है, इसमें कहीं कोई बोरियत का आंसर नहीं है। हर आर्टिस्ट भी अपने मसरूफ़ रहते हैं, शुगल के अंदर रहते हैं सारे, और देखने वाले जो लोग हैं वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है लोगों को देखना उसको, और बहुत अच्छा प्ले है और बहुत मशहूर प्ले है, और इसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है। जब पाकिस्तानी में नहीं है हशमत एंड सन्स, दूसरे ममालिक लंदन, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया सब में, और बहुत ज़्यादा देखा जाता है, पाकिस्तान से ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं अपने फैन से इतना ही कहूँगा कि आप हमारा जब भी प्ले देखते हैं तो एक काम आपने करना है, सिर्फ उसको शेयर ज़रूर करना है। देखिए अब ये यूट्यूब के ऊपर सिलसिला शुरू हुआ है, जब शेयर करेंगे उसका हमें फ़ायदा मिलेगा। लाइक करें, कमेंट्स दें, यही चीज़ें आपकी हमें ज़िंदा रखेंगी। और हमारे फैंस जो हैं हमारे पास आना चाहते हैं, आपको पता है कि यहाँ बहुत टफ़ टाइम होता है, उन्हें टाइम नहीं दे पाते, तो कोई अच्छा मैसेज देना चाहें अपने फैंस को तो बताइए, क्या फैंस को अच्छा मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैसेज यही हम कहेंगे कि आप लोग भाई इसको लाइक करें, इसको जो है ना सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आबरा का ढाबरा, अंतर मंतर काम कलंतर, शू शाशू, शू शाशू। अरे
जादू नहीं हुआ? हाँ उससे कहाँ होगा, वो तो वो करता है जो कि जादूगर भी है। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ मुजाहिद से, जो कि है फैसल राजा। तो चले उनसे मिलते हैं। अरे अजमत देखने वाले जितने भी लोग हैं सबको प्यार भरा सलाम, अल्लाह आपको शाद रखे आबाद रखे। इसी तरह हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और लिंक को जितना हो सके आगे भेजा करें, किसी और का मोबाइल लेके उससे भी निकाल के दिया करें लोगों को। तो आप लोगों की वजह से ये अजमत एंड चंद चल रहा है, आप लोगों की दुआओं से ये दोबारा से आ गया है। दुआ करें कि अल्लाह इसको किसी अच्छे चैनल पे जगह भी दे, तो इंशाल्लाह इसी तरह धूम मचाते रहेंगे, देखते रहे अजमत एंड चंद, इंशाल्लाह मजा आएगा। फैंस बहुत अच्छी बात करी मेरे दोस्त राजा ने। अच्छा राजा, हमारे फैंस जो है सेट पे आना चाहते हैं वो यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि इतने चैलेंजेस होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता। सेट पे ऐसा है कि देखो हमें एक दिन में एक एपिसोड बनाना होता है, यहाँ पे हम बैठे हुए तो वहाँ पे सीन चल रहा है, वो वाले कमरे में रिहर्सल कर रहे होंगे कि अगला सीन किसका है। तो सेट के ऊपर तो पॉसिबल नहीं, ये कि हम लाइव जाते तो वहाँ हम बता देते कि भाई फिरियर हॉल में मिल लो, आर्ट काउंसिल में आ जाओ, तो वहाँ मुलाकात कर लिया करो आप। बेसिकली यही एक प्लेटफॉर्म है जिसकी तवस्सुत से मैं इन लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा कुछ नॉर्मल बातें होंगी, कुछ ऐसी बातें होंगी जो लोग जानना चाहते हैं। राजा आपको कलर कौन सा पसंद है? भाई मुझे रेड कलर बहुत पसंद, बहुत सारो लगे तो मुझे रेड कलर। अरे अरे मेमनी मेमनी जबरदस्त, मेमनी भी फुल अच्छे थी वाह जबरदस्त मुझे वाह। अच्छा राजा ये बताएं कि खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में जो मुफ्ते का मिल जाए, मेरा मतलब है की तले की आज भी बहुत पसंद है। चले चले, तो नाज़रीन हमारे इस प्यारे से दोस्त का फैसल राजा के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसे आपने सब्सक्राइब करना, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है इसको कम वक्त में। फैसल राजा मैजिशियन के नाम से आप लोग इंशाल्लाह विजिट करें, आपको प्रैंक भी मिलेगा और मैजिक भी मिलेगा, मजा आएगा। बाकी जफर ने भी बनाया भाई, जफर के चैनल को देखे, इसके लिंक को ना ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड किया करें ताकि जफर भी लॉग इन में और अच्छे से अच्छा काम करे। अरे आ गए आप लोग, आ गए, हाँ मजा आ रहा है ना आपको, अभी आप और मजा करेंगे। अब आपको पता है मैं किससे मिलवाने जा रहा हूँ? एक धनवीर से, नहीं नहीं धनवीर तो मैं भी हूँ मगर मैं छोटा वाला हूँ, वो बहुत बड़े, वो बहुत बड़े। हाँ तो मिलते हैं मेरे बड़े भैया से, फिरोज भैया से, जो कि हैं शाहिद खान। तो फिरोज भैया हमारे जो आपको पता है फैंस तो बहुत है हमारे प्रोग्राम के, वो जानना चाहते हैं हमारी आम लाइफ में हम कैसे हैं। तो मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा उसका, प्लीज़ मुझे बताएगा, ये बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? सच बता दें? सच नहीं बता सकता और झूठ बोलते बहुत बुरा लगूंगा यार। क्या हॉबी होगी, बस ठीक है बस, जिंदगी जो मिल जाता है वही मेरी हॉबी होती है बस। ठीक हो गया। और आपका फेवरेट कलर? मेरा फेवरेट कलर लड़की की लिहाज से या मतलब बूथ बूथ जो लड़कियों के लिहाज से गोरा गोरा सॉरी कलर ड्रेस के आप जो मैं यूं पूछ ब्लू ब्लू और ब्लैक ब्लू और ब्लैक ठीक है। और आपका फेवरेट फूड? खाने के लिहाज से जी 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 जानी जानी बात नहीं, क्या कर रही है? अंगूर अंगूर पसंद है आपको? ठीक है अंगूर पसंद है, सही। तो हमारे फैंस के लिए कोई अच्छी बात या कोई अच्छी नसीहत देना चाहें? यार अच्छी नसीहत ये है कि नसीहत नहीं क्योंकि हमारे फैंस माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, बहुत एक्टिव हैं मामलात में। नसीहत यार मैं नसीहत जो करते हैं उनकी भी हैसियत उन लोगों की नज़रों में पता नहीं क्या होती है, पता मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे नहीं समझ आ रहा क्या पसंद झाड़ रही हूँ शुरू। बस नसीहत यही है कि भाई अच्छा बोलो, दूसरों का ख्याल रखो और सबसे ज़्यादा कि ये है कि हुकूक लिबाद का ख्याल। हुकूक अल्लाह के बारे में तो खैर अलग मामला है मगर हुकूक लिबाद को सबसे ज़्यादा बेहतर तवज्जो दी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जो हर वक्त तांडव करती रहती है, जो कि वाइल्ड है, हमारे घर की सबसे वाइल्ड है। तो मिलते हैं किरण भाभी से, जो कि हैं मिशी खान। हमारे कैरेक्टर की सबसे प्यारी भाभी, हमारी डेंजरस भाभी किरण भाभी, जो कि हैं मिशी खान। तो हम इनसे जानेंगे इनके बारे में कुछ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, एकदम फिट फाट। बिल्कुल मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो ये बताइए सबसे पहले कि आपकी हॉबीज क्या हैं? बहुत सिलेक्टेड सी हॉबीज हैं, ज़्यादा नहीं है। म्यूजिक सबसे टॉप प्रायोरिटी पे इसलिए क्योंकि जो हमारी रूटीन है काम ऑफिस घर, इन एंड ऑफ द डे आई वांट म्यूजिक टू मेक माय सेल्फ रिलैक्स, तो वो ज़रूरी है। रीडिंग इसलिए ज़रूरी है कि आई नीड टू नो अबाउट द मॉरल्स, सो लाइफ इतनी डम चल रही है कि कुछ ना कुछ मॉरल्स आने की रीडिंग करनी पड़ती है। अच्छा लगता है, एक तो बहुत पीसफुल टाइम गुजरता है व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग। एंड थर्ड थिंग इज दैट ट्रैवलिंग, जब मुझे मौका मिलता है तो इन द एंड ऑफ द ईयर आई प्लान सम ट्रिप एंड गो आउट टू एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ नेचर, एक
आर्ट का कीड़ा है, एक कीड़ा कह सकते हैं, सॉरी इंसेक्ट 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 आई लाइक इंसेक्ट इन माय वेन्स सो आई हैव टू गो ऑन अ ट्रैवल एंड अच्छा लगता है बस. तो ये मेरी कुछ सिलेक्टेड सी हॉबीज से ज्यादा नहीं. बहुत अच्छी है, बहुत ही क्रिएटिव है. अच्छा मुझे बताएगा आपका स्कोर, आपका जो है स्टार क्या है? वेल मेरा स्टार है आई एम अ प्योर फिश, आई एम अ पाइसेस और बच्ची हूँ मैं. और बस पाइसेस होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, बिल्कुल गुस्से वाला नहीं होती, ये सिर्फ मेरा करेक्टर है, नथिंग मोर देन दैट. ठीक है ठीक है. और ये बताएगा कि आपको फूड में क्या पसंद है? घर का सादा सा खाना, बस सर घर का सादा खाना मिल जाए, वेजिटेबल्स मिल जाए. इसके अलावा क्या कह सकते हैं, रोटी खाती हूँ, चावल अवॉइड करती हूँ और बस मुझे घर का खाना पसंद है, इसके अलावा कुछ नहीं. चलें बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी ज़िंदगी का हमें कीमती वक्त दिया. अच्छा हमारे फैंस को आप क्या कहना चाहेंगी, कुछ मैसेज छोटा सा उनके लिए, हमारे फैंस के लिए? वेल फॉर फैंस यही है कि आपकी इतनी सारी दुआओं की वजह से हम लोग वापस आए हैं, अगेन बैक टू वर्क, बैक टू हशमत. तो हम इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, हमें देखते रहें, हमें अपना बहुत सारा प्यार देते रहें और जुड़े रहें. शुगर टी वी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग देख सकें हर्ष प्रोफेसर के सारे एपिसोड. और बस यही सारा मेरा एक छोटा सा मैसेज अपने फैंस के लिए. अरे अरे आगे आगे, सॉरी सॉरी, सर्दियों में ऐसा हो जाता है, आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा. अब आपको पता है मैं किसको मिलवाने जा रहा हूँ? हाँ हाँ, वही जो कि हमारे घर का इन्वेस्टर है, जिसके पास बहुत पैसा है और हशमत उसे हर बार नए तरीके से चुना लगाता है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो मिलते हैं सुल्तान से और जानते हैं उनके बारे में बहुत कुछ. आपको पता है वो कौन है? सैयद कलीम. तो चले हैं। अच्छा कलीम भाई, हमारे जो फैंस हैं वो आपके बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं आपके कैरेक्टर को, तो वो जानना चाहते हैं कि आपका फेवरेट कलर क्या है? देखिए फेवरेट कलर जो मेरा है वो सब्ज है, हरा रंग. हरा रंग, जबरदस्त. और आपको खाने में क्या पसंद है? खाने के अंदर तो जाहिर है कि वो बारबेक्यू वगैरह में ज़्यादा पसंद करता हूँ. अच्छा अच्छा ठीक है. और कोई हमारे फैन के लिए आप विश करना चाहेंगे, नसीहत देना चाहेंगे इस चैनल के प्लेटफॉर्म से? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें. okay. और उसके बाद बिजनेस करें, बिजनेस के साथ आप कोई भी काम करें, कोई हर्ज नहीं. ठीक है ठीक है. और चलें ठीक है. तो अच्छा ये बताएं, हशमत एंड सन्स में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन कौन से कैरेक्टर है या कोई एक कैरेक्टर? हशमत एंड सन्स में तो हर कैरेक्टर नगीने की तरह अपनी जगह फिट है माशाल्लाह. अब मुझे लगा कि मैं दुनिया में आ गया हूँ और आप लोग भी आ गए. तो आपने सुनी सुल्तान भाई की अच्छी लगी ना आपको? अब आपको पता है मैं किससे मिलवाने जा रहा हूँ? उनसे जो हर बातों में हमें तंज करती रहती है. हाँ हाँ वही उस्मान बाजी जो कि है गुरु जली मेहदी. तो चले उनसे मिलते हैं. ये बताएं कि आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबी सबसे पहले यही एक्टिंग के बाद मॉडलिंग की है, होस्टिंग की है. लेकिन अगर घरेलू एक्टिविटीज के बारे में बात की जाए तो घर के कामकाज और कुकिंग करना मेरी फेवरेट. जबरदस्त. और ये बताएं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है? कलर मुझे तकरीबन सारे बहुत पसंद हैं, लेकिन इसमें से फेवरेट वाइट, पिंक और ब्लैक. ठीक है. और आपका फेवरेट फूड कौन सा है? मैं बहुत सादा रहता हूँ और मुझे जितनी भी सादा चीज़ें वो पसंद हैं. तकरीबन सब अल्लाह का शुक्र है, शौक से हर चीज़ खा लेती हूँ, लेकिन दाल चावल अगर बहुत अच्छा बना हो तो बहुत शौक से. ठीक है. अच्छा ये बताएं कि हमारे फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे, कोई अच्छी बात वगैरह? मुझे गिना नहीं, गिना नहीं, मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था. आपने देखा उस्मान बाजी की बातें सुनी, अच्छी लगी ना आपको? आपको पता है मैं किससे मिलवाने जा रहा हूँ? हाँ हाँ वही जिन्होंने हमारे घर में इतना शोर शराबा मचा रखा है. मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ. मेरी शादी क्यों नहीं होती? उनकी शादी होगी भी नहीं, क्योंकि उनकी शादी हुई तो सारा मजा खराब हो जाएगा. मगर क्या पता उनकी शादी हो भी जाए तो आपने हशमत एंड सन्स देखते रहना है. हम मिलवा रहा हूँ आपको शेरी भाई से. हाँ हाँ शेरी भाई जो कि है उस्मान सारी. तो चले उनसे मिलते हैं. हमारे फैंस ये जानना चाहते हैं कि आप बताएं कि हॉबीज क्या है? कुछ भी नहीं हॉबी. और आपका फेवरेट कलर? सफेद और ब्लू. ठीक है गुड. और ये बताएं खाने में आपको क्या पसंद है? खाने में जिस टाइम भूख के टाइम जो मिल जाए वैसे तो वो अच्छा होता है, लेकिन दाल चावल, अरहर की दाल चावल, कबाब और पापड़, हरी मिर्च. जबरदस्त शहरी भैया. तो ये बताएं हमारे फैंस के लिए कोई अच्छी बात या कुछ कहना चाहें आप? यार मैं क्या कहना चाहूँगा फैंस को, बस यही बोलूँगा कि भैया देखिए और
मजे करीजिए, मजे कीजिए, मजे कीजिए, सॉरी इधर फंबल मारो, सॉरी माजरा, खैर रखिए, तो मजे करिए और क्या बोलूं मैं, बस बस फिलहाल यही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, आपने हमारे फैंस को बहुत कीमती वक्त दिया, तो आपने देखा कि बिहाइंड द सीन हमारे शेरी भैया कैसे हैं, तो बातें बस, मैं तो इतनी सारी तैयारी कर कर आया था, मैंने कहा पता नहीं क्या क्या पूछोगे क्या पूछोगे, तो आप बताएं के बारे में, नहीं 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 के बारे में पूछोगे, नहीं 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 नहीं, फिलहाल यही था शेरी भैया, ठीक है, हमारे फैंस को यही बताया क्योंकि हम बिहाइंड द सीन्स बड़ा लोग हमसे मिलना चाहते हैं, तो बस बुला लिया करो ना, मिलना बुला लिया करो इधर यार, देख ले फैंस अब आपको कह रहे हैं, तो जल्द फिर इंशाल्लाह मैं आप सब लोगों को हशमत एंड सन्स की शूट पे बुलवाऊंगा, नहीं 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 मजाक कर रहा हूं भाई, इसीलिए देखें फैंस हम यहां पर बहुत टफ काम कर रहे थे, अभी भी शूट चल रही है हमारी, तो शूट से कीमती वक्त निकाल कर हमारे शरीफ भैया ने आपको वक्त दिया है, तो फिर जल्द मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, और मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है आज, और मेरा यूट्यूब पे चैनल है, इधर करो यूट्यूब पे चैनल है सनकिस्तान, तो उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो देखें उसको मज़े मज़े की, और हमें बताइए कि कैसी लग रही है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अरे आ गए आप लोग, अब आपको पता है मैं किससे मिलवाने जा रहा हूँ, हाँ वही जिसकी तारीफ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं होते, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी विस्मा, लाखों में एक, आपको पता है वो बहुत ही खूबसूरत है, हाँ बोलने की क्या बात है, वो तो आपको पसंद कर आता है, तो चले मिलते हैं विस्मा बेबी से जो कि हैं अनम जावेद। अनम ये बताएं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर व्हाइट, ठीक है, और आपको खाने में क्या पसंद है? मैं कोई फूडी नहीं हूँ, तो मैं कुछ भी खा लेती हूँ, बस वक्त पे मिलना चाहिए, ठीक है, और हमारे फैंस के लिए कोई ऐसी बात या कुछ ऐसा कहें कि जो उनके लिए नसीहत आमोज हो? नसीहत आमोज मेरी खुद की इतनी उम्र नहीं कि मैं नसीहत करूँ, लेकिन नसीहत आमोज मैं यही कहूँगी कि भाई किसी को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल ना करें, मतलब जब आपका मतलब निकल गया तो कटा दिया, ऐसा ना करें, जब आपको दिखाई दे कि कोई आपके काम आ रहा है तो आप भी उसके पलट कर काम आए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नम, और मैं ये जहाँ, अच्छा देखें हमारे फैंस बेसिकली मैं ये इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि बहुत से फैंस कहते हैं कि हम शूट पर आएँ, सेट पर आएँ, तो ऑफ सेट यानी कि मैं उन्हें दिखाना चाह रहा हूँ ऑफ द कैमरा क्या है, कैसे करेक्टर है, और अच्छा ये बताएं कि हशमत एंड सन्स में सबसे मज़े का करेक्टर कौन सा है आपका? सबसे मज़े का कैरेक्टर मतलब जो मुझे पसंद है, मुझे पसंद है मुझे ज़्यादा पसंद तो मुझे दो तीन कैरेक्टर्स हैं, मैं एक स्पेसिफिक नाम नहीं लूँगी, मैं सारे बहुत पसंद है, मुझे नुसरत आपा का कैरेक्टर मतलब जो रुकैया का कैरेक्टर है वो बहुत पसंद है, और मुझे मुजाहिद का कैरेक्टर पसंद है, मुझे बहरोज का कैरेक्टर पसंद है, थैंक यू, मुझे शायरी का कैरेक्टर भी बहुत पसंद है, बिल्कुल बिल्कुल, सलीम का मुझे जब वो फुल अपनी पावर लगा कर चीखते हैं, वो वैसे कानों पे हाथ लगाना पड़ता है जब वो ऐसा करते हैं, लेकिन वो भी बहुत पसंद है, वो बहुत पसंद है, सभी पसंद है, सबसे ज़्यादा अपने आप को पसंद है। अच्छा तो फैंस आप लोगों से यहाँ पे एक बात कहूँगा, अनम का अपना भी पर्सनल चैनल है अनम जावेद के नाम से, तो आपने उसे भी सब्सक्राइब करना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, सारे जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे फैंस हैं और जफर के चैनल के इस वक्त मुझे देख रहे हैं, वो सारे जफर के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाएँ ताकि वो आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ दिखा सकें। तो फैंस मजा आया ना आपको इन सब से मिलके, ये व्लॉग मैंने स्पेशली उन फैन के लिए बनाया जो कि मुझसे मिलने के बाद एक ही बात कहते थे कि यार हमें शूट पे कब लेके जाएंगे, हमें सेट पे जाएंगे सबसे मिलने, तो मैं उन लोगों से माजरत हूँ कि मैं उन्हें सेट पे नहीं ला सकता, यहाँ पे हम बहुत टफ काम कर रहे होते हैं, तो वो जब आएंगे हम उन्हें टाइम नहीं देंगे तो अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए मैंने इतनी मेहनत करके, आपको पता है मैं कब से मेहनत करूँ इस व्लॉग के लिए, कितने लोगों को मैंने लाइनअप किया, कितने चीज़ें लाइनअप की, तब जाके व्लॉग आपके पास आया, तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं जब अपने फैंस देखता हूँ वो बहुत सारे होते हैं, तो मुझे यही होता है कि मैं अपने फैन को एक बात कहूँ कि जब आपको हशमत एंड सन्स अच्छा लगता है आप उसे शेयर करें, हमारे हर प्रोग्राम को शेयर करें, हम जितना शेयर करेंगे हमारी रेटिंग ज़्यादा अच्छी आएगी और हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा हमारे प्रोग्राम को, और एंड में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूँगा कि मेरे चैनल को ये करना मत भूलिएगा कभी, हाँ जब भी आप मेरी वीडियो देखें यही करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई अच्छा सा कमेंट भी दीजिएगा, थैंक यू, ठीक है अपना ख्याल रखें, फिर होती है आपसे मुलाकात, सही है, अरे 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 बचाइए बचाइए बचाइए, सॉरी रुक जाए, मैं जज्बात की चीज़ तो कहना भूल ही गया, आपको पता है आज के हमारे व्लॉग के स्पॉन्सर कौन है? किंग किंग चिलगोजा वाले, हाँ
तो आपको पता है सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में ड्राई फ्रूट भी घर पे आता है ना, तो आपने अपने घर में जो भी ड्राई फ्रूट लेकर आता है उससे एक बात खास करनी है, किंग का चिलगोजा जरूर लेकर आए, बहुत खस्ता यम्मी मजेदार, और मैं तारीफ नहीं कर सकता। हाँ, बाकी तारीफ आप करेंगे, आप मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मैं यही टेस्ट करता हूँ और यही ट्राई करता हूँ, तो आपने भी करना, ठीक है? फिर होती है मुलाकात किसी न्यू ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।